चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में अपन ने देख चुका है कि कॉनकेव मिरर में किस टाइप की इमेज बनती है, क्या क्या उसकी केस स्टडी है, और उसी का कंक्लूजन करते हुए लेक्चर 3 का कंक्लूजन करते हुए अपन लेक्चर 4 की तरफ चले जाएंगे। लेक्चर 3 में आपने देखा ना केस स्टडी, आप देखेंगे केस स्टडी, ये सब केस स्टडी है, ये केस 1 2 3 4 5 6। ठीक, केस नंबर 1 में इमेज फोकस बनती है, केस नंबर 2 में इमेज फोकस और सेंट्रल कर्वेचर के बीच बनती है, केस 3 में सेंट्रल कर्वेचर बनती है, केस 4 में सेंट्रल कर्वेचर के बाद, ये आपका केस नंबर 1 था बच्चों, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था और ये 5 था और ये 6। हाँ, ये सभी केसेस में आपने देखा कि इमेज कहां का बनती, इसी का कंक्लूजन करेंगे बच्चों, यहां देखते यस। तो सबसे पहले कंक्लूजन में, कंक्लूजन किसका कंक्लूजन कर रहे हैं अभी अपन, कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचर। आपने देखा केस 1 to 5 में, देखिए केसेस 1 to 5 में जो इमेज थी वो रियल इन्वर्टेड थी, रियल और इन्वर्टेड थी, और जो 6 केसेस था उसमें इमेज आती थी वर्चुअल एंड रियल। ठीक है, नेचर के बाद जो सेकेंड कंक्लूजन है वो है हाइट का। तो यहां पर बच्चों 1 और 2 केस 3 केस और 4 5 और 6, फर्स्ट और सेकंड केस में HI और HO में क्या रिलेशन था, वैसी थर्ड केस में क्या था, और वैसी 4 5 6 केस में क्या था। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट और सेकंड केसेस में HI इज ग्रेटर देन HO। ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये HI इज स्मॉलर देन HO फर्स्ट और सेकंड केस में। आपको जितने देखा था आपने लास्ट टाइम में, ये देखो फर्स्ट और सेकंड केस, फर्स्ट केस में इमेज एकदम पॉइंट साइज है, डिमिनिश्ड है, फोकस में, और साइज यहां छोटी है, तो फर्स्ट और सेकंड केस में ठीक है HI लेस देन HO है, थर्ड केस में दोनों बराबर हो जाती है बच्चों, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स केस में HI बड़ी है HO से। ठीक है, ये आपका सेकंड कंक्लूजन हो गया। थर्ड कंक्लूजन देखते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है, यहां भी केसेस से देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। फर्स्ट और सेकंड केस में जो मैग्निफिकेशन था वो आपका लेस देन 1 होता है, जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड केस में, थर्ड केस में मैग्निफिकेशन होता है इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों HI और HO दोनों ही बराबर हो जाते हैं फर्स्ट और सेकंड केस में। ठीक है, HI छोटी होती है और HO बड़ा होता है, आपको पता है इनका फार्मूला HI में HO, अगर HI छोटी वैल्यू है और HO बड़ी वैल्यू है तो कंफर्म है 1 से छोटी आएगी वैल्यू। ठीक है, बट वही 4th 5th 6th केस में HI की वैल्यू बड़ी होती है बच्चों और HO की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये हो गया थर्ड कंक्लूजन, ये सब केसेस है बच्चों, फर्स्ट सेकंड केसेस में एम लेस देन 1 है, थर्ड केसेस में एम इक्वल टू 1 है, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स केस में एम ग्रेटर देन 1 है। आगे बढ़ते हैं, एक और है इसमें, इसमें एक और है लास्ट, फोर्थ कंक्लूजन भी मैग्निफिकेशन को लेके आप देख सकते हैं, आपका मैग्निफिकेशन, ये है मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड केस इसमें क्या बच्चा, देखो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ केस तक, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ केस तक जो मैग्निफिकेशन है वो आपका नेगेटिव रहेगा। क्यों नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ केस तक इमेज बनती है वो रियल इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड, आपने सुना इन्वर्टेड, हाँ इन्वर्टेड इमेज क्या हो गई, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी इमेज ऐसी बन रही है, तो वो मैग्निफाइड हो भी नहीं है तो कैसी हो रही है, नेगेटिव साइड हो रही है, इसलिए फर्स्ट से लेकर फिफ्थ केस तक मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, और जो सिक्स केस है उसमें मैग्निफिकेशन होता है बच्चों आपका पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सिक्स केस में आपने देखा हुआ है, ये देखिए सिक्स केस ये है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज यहाँ बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही क्या है वर्चुअल इलेक्टर, और वर्चुअल इलेक्टर मैग्निफिकेशन आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया बच्चों आपका, ठीक है, पूरा कंक्लूजन किसका, कॉनकेव मिरर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे, अब स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, देखो कॉन्वेक्स,
अब कॉन्वेक्स इमेज स्टार्ट हो रहा है, अब कॉन्वेक्स इमेज स्टार्ट हो रहा है। देखिए तो कॉन्वेक्स इमेज में क्या क्या है, पहला तो केस के कॉन्वेक्स इमेज ये होता है, कॉन्वेक्स इमेज ये होगा कॉन्वेक्स इमेज। कॉन्वेक्स इमेज में फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इंफिनिटी पे रखा है, तो कंफर्म है लाइट कहां से आएगी, इंफिनिटी से ही आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही लाइट निकलती है बच्चों, ये आपको पता है ऑब्जेक्ट से ही लाइट निकलती है, लाइट इंफिनिटी से आ रही है, ये क्या हो गई, इधर डाइवर्ज हो गई, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है डाइवर्ज करता है, ये डाइवर्ज कर दिया और जिसकी रिट्रेस मैंने किया ये इमेज बन गई, कहां यहां पर ये इमेज बन गई, यहां पर फोकस कर। तो तीन चीज लिखते हैं बच्चों, पर नेचर, पोजीशन और साइज। तो आप देख सकते हैं नेचर क्या है, ये डाइवर्ज होती बनी है, लास्ट क्लास लास्ट लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि जो इमेज डाइवर्ज होके बने वो वर्चुअल होती है और जो इमेज कन्वर्ज होके बने कन्वर्ज वो होती है रियल। तो ये हो गया इसमें डाइवर्ज होके बनी है, ये हो गई वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट ठीक है। पोजीशन क्या है, एट फोकस, एट फोकस। और साइज क्या है, पॉइंट साइज, आप देख सकते हैं छोटी सी साइज है ठीक है, पॉइंट साइज है यहां पर। नेक्स्ट बच्चों ये हो गया आपका फर्स्ट केस और ये हो गया सेकंड केस। सेकंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। देखो बच्चों जो सेकंड केस है यही लास्ट केस है, क्यों ऐसा हुआ अभी देखते हैं आप लोग ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट अगर रखा कहां पर, कहीं इंफिनिटी और पोल के बीच में, ये है पोल, तो लाइट यहां से गई डाइवर्ज हो गई, जिसको रिट्रेस करूंगा मैं तो कहां पर ले लेंगे बच्चों, ये रहेगा आपका फोकस, लाइट यहां पर आई ये भी इससे निकल गई तो इसको भी रिट्रेस कर लेते, ये तो आप देख सकते हैं इमेज यहां पर बनी, ये इमेज बन रही है, ये आपका ए बी और ये आपका हो गया ए डैश बी डैश। तो सर सेकंड केस को लास्ट केस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को यहां रखो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो कहीं पर रखो, इमेज आपकी फोकस के पहले बनेगी और छोटी बनेगी। जब इमेज के करैक्टरिस्टिक्स में कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा है, वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही है और फोकस तो पहले ही बन रही है, तो उसको केस स्टडी में लेने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट टाइम कॉनकेव में क्या हो रहा था, जब आप अलग अलग जगह रख रहे थे बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर ऑन सेंटर कर्वेचर बिटवीन सी एंड एम, तो इमेज की करैक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ रहा था, उसकी पोजीशन भी बदल रही थी और साइज भी बदल रही थी, इसलिए आपने वहां पर केस 1 से लेकर केस 6 तक पढ़ा। बट यहां पर बच्चों आप कहीं पर रखो तो इमेज की साइज छोटी रहेगी और फोकस के अंदर रहेगी, तो फिर आपको अंदर से केस बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड केस हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, तो करैक्टरिस्टिक्स में क्या आ गया, वर्चुअल इफेक्ट ये भी है, ये भी वर्चुअल इफेक्ट है। दूसरा पोजीशन, पोजीशन पर बदल दिया स्टूडेंट बिटवीन, जल्दी बताओ कहां पर होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। और साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ठीक है। नेचर में लिख देता हूं वर्चुअल एंड इफेक्ट ठीक, ये होता है स्टूडेंट केस स्टडी खत्म किसका, कॉन्वेक्स का। अब इसका अपन कंक्लूजन कर लेते हैं ठीक है, कंक्लूजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, कंक्लूजन एमसीक्यू में पूछता है, तो देखो कंक्लूजन लेते हैं ठीक है। यहां पर कंक्लूजन किसका कंक्लूजन है, कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स का। तो यहां पर सबसे पहले अपन कंक्लूजन से स्टार्ट करेंगे ठीक है, कंक्लूजन पहले स्टार्ट किससे हुआ था बच्चों ठीक है, नेचर से। तो यहां पर तो सिर्फ दो केसेस है, तो दोनों केसेस में क्या है, वर्चुअल इलेक्ट, वर्चुअल और इलेक्ट। दूसरी चीज स्टार्ट होगी हाइट, इमेज की हाइट कैसे है, यहां पर सिर्फ दो ही केसेस है बच्चों, ये आपका केसेस है ठीक है। यहां पर एच आई और एच ओ, एच आई हमेशा छोटा है स्टूडेंट्स एच ओ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइट हमेशा एच आई क्या है, लेस देन एच ओ है, इसमें दो केसेस है। थर्ड मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन में अपने दो पढ़ा हुआ है, पहला दूसरा केसेस, इसमें एम क्या रहेगा, वर्चुअल इमेज है ना, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है,
मैग्नीफाइड क्या होती है, पॉजिटिव मैग्नीफाइड होती है, क्या होती है, पॉजिटिवली मैग्नीफाइड होती है, ठीक है। और लास्ट स्टूडेंट यूवी मैग्निफिकेशन का केस है, मैग्निफिकेशन का केस है, फर्स्ट और सेकंड केस है, ठीक है। एम क्या होगा, लेस देन की ग्रेटर देन वन, देखो वर्चुअल इमेज छोटी है, एच आई छोटा है, तो एम क्या हो जाएगा, लेस देन वन, ठीक है, लेस देन वन, ठीक है। क्यों लेस देन वन होगा वो समझ लो, एम इक्वल टू क्या होता है, एच आई एच होता है, एच आई छोटा है सभी केसेस में, और जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो वैल्यू क्या होती है, वन से कम आती है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो वैल्यू लेस देन वन आती है, और वहीं पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाते हैं तो कैंसिल होकर वन हो जाते हैं, जो कि लास्ट केस में हुए थे। अगर न्यूमरेटर बढ़ जाए डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर बढ़ जाए डिनोमिनेटर से तो क्या हो जाएगा, वैल्यू वन से बढ़ी जाएगी। ये हो गया कंक्लूजन स्टूडेंट्स, कंक्लूजन के बाद अपन स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला जो होता है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक, ये है मिरर फॉर्मूला स्टूडेंट्स, जहां पर f फोकल लेंथ है, चाहे तो इसको fl से भी लिख सकते हैं, ठीक है, फोकल लेंथ है, फोकस ऑफ कोर मैजिस्ट्रियल डिस्टेंस, v जो है इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, और जो u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, पोल से, मिरर में सभी डिस्टेंस को पोल से स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं, मिरर में सभी डिस्टेंस को, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ हो, आपको सभी को कहां से स्टार्ट करना है, पोल से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, मैग्नीफिकेशन का दो फॉर्मूला होता है, एच आई या एच ओ, ठीक है, एच आई या एच ओ, ये एच आई थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एच आई सबस्क्रिप्ट में है, एच आई हाइट ऑफ इमेज अपॉन एच ओ, ठीक है। और एम का एक और फॉर्मूला होता है एम इज़ इक्वल टू ठीक है माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू, ठीक है। एच आई क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, एच ओ क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ठीक है, ये हो गया पूरा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले यूज होते हैं मिरर के क्वेश्चन बनाने में, ये तीन फॉर्मूले यूज होते हैं मिरर क्वेश्चन बनाने में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसा कैसा साइन देना है आपको, साइन कन्वेंशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइन कन्वेंशन याद रखिए, ठीक है। मैं मिरर का कोई पेज बना लेता हूं, ये वाला, ये है फोकस, ये सेंटर का पोजीशन, ठीक है। इसमें से मैंने एक केस ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं तो इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड सेंटर पोजीशन और बड़ी बनती है, ये बना दिया, ठीक। तो सबसे पहले आप देखो ये लाइट है, ये लाइट है बच्चों, कैसे लाइट है भाई, ऑब्जेक्ट से तो लाइट निकलती है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है बच्चों, इमेज, ये इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज, आप देखेंगे लाइट निकल रही है ऑब्जेक्ट से। तो सबसे पहले मैं फोकल लेंथ मेजर करूंगा, हर चीज को कहां से मेजर करते हैं, पोल से, तो देखो ये फोकल लेंथ मेजर हुआ, क्या हुआ फोकल लेंथ एफ एल, जो कि लाइट के अपोजिट है, जो कि लाइट के अपोजिट है, इससे फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। अगर लाइट के साथ चलेंगे तो पॉजिटिव, और लाइट के अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव, और सब डिस्टेंस कहां से स्टार्ट होगा, पोल से। तो देखो फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे इस साइड आना पड़ा, जो कि लाइट के अपोजिट है, वैसे ही ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, ये देखो ऑब्जेक्ट को मेजर करना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखते हैं, और ये भी क्या होगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा बच्चों, क्योंकि लाइट के अपोजिट है, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि लाइट के अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव होगा। और दूसरा देखो बच्चों, ये हो गया इमेज, ये हो गया इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप देख सकते हैं तीनों चीज नेगेटिव आ गई। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हर समय तीनों चीज नेगेटिव होती है क्या, नहीं बच्चों, हर समय नहीं होती है, वो साइन कन्वेंशन के थ्रू होती है, थ्रू होती है। मैं एक और कंडीशन ले लेता हूं, मैं एक और कंडीशन ले लेता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। एक और कंडीशन, ये कौन ले लिया, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर, यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। अब जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया, तो केस नंबर 6 हो गया, और केस नंबर 6 में इमेज कहां बनती है, आपको याद होगा यहां पर बनती है, एक वर्चुअल इमेज बनती है, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज,
चलो यहां पर मेजर करते हैं, ठीक है। लाइट कैसे निकल रही होगी, कंफर्म है ऐसे लाइट निकल रही होगी, ये लाइट, क्योंकि लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है, लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है। जस्ट लाइक मुझे अगर कुछ पढ़ना है, ठीक है, पूरा दे रहा है, तो मैं टॉर्च यूज कर रहा हूं, तो मैं लाइट टॉर्च को, ये टॉर्च है, तो इसको ऐसे दिखाऊंगा कॉपी में, ठीक है, ना कि ऐसे दिखाऊंगा, क्योंकि लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकल के आएगी तभी मुझे विजिबल होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मुझे पढ़ना है, ठीक है, रूम में सब लाइट बंद हो गई है, मेरे को स्टडी टेबल पढ़ना है, तो स्टडी टेबल का जो टॉर्च है उसकी लाइट ऐसी रहेगी ताकि वो ऑब्जेक्ट में पड़े और मेरे आंखों में आए। तो लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है बच्चों, ये देखो लाइट निकल गई, और डिस्टेंस पोल से ले रहा है, तो फोकल लेंथ क्या हो गया, ठीक है, फिर देखो फोकल लेंथ क्या हो गया, नेगेटिव फोकल लेंथ, नेगेटिव हो गया, लाइट के अपोजिट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट इस बार यू भी क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव, क्यों नेगेटिव हो गया आपको समझ में आ गया होगा, बट इस बार आप देखो स्टूडेंट्स आपका v जो है इमेज डिस्टेंस वो क्या है, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि लाइट के साथ चल रही है, लाइट के साथ चल रहा है, ठीक है, तो लाइट के साथ चल रहा है। तो 10th के हर क्वेश्चन में, क्लास 10th के हर क्वेश्चन में u नेगेटिव होता है, क्योंकि 10th क्लास में हर बार यहां रखते हैं। हां 12th क्लास में जब कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, दो लेंस एक मिरर, ठीक है, या तीनों लेंस, उस केस में कुछ-कुछ जगह में, ठीक है, u आपका पॉजिटिव आएगा, तो 12th में है। अगर 10th के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो 10th के बच्चों के लिए एक ही लेंस और एक ही मिरर के क्वेश्चन होते हैं, कॉम्बिनेशन के नहीं होते हैं, ठीक है। जब एक ही लेंस और एक ही मिरर का क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्ट को इसी साइड रखा जाता है और उसको हमेशा नेगेटिव ले लेगा, ठीक है। और फोकल लेंथ का ध्यान से सुनना, फोकल लेंथ का ध्यान से सुनना, ठीक है। फोकल लेंथ के लिए एक शॉर्टकट बता रहा हूं, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा अगर कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस या मिरर, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा का, अगर कॉन्वेक्स है लेंस या मिरर। ये शॉर्टकट है बच्चों, ये साइन कन्वेंशन से ही आया है, मैं इसलिए शॉर्टकट आपको बता रहा हूं क्योंकि जैसे लाइक आपको भी न्यूमेरिकल बना रहे तो आप पूरा साइन कन्वेंशन नहीं बना पाओगे, ये साइन कन्वेंशन को ध्यान नहीं दे पाओगे, तो आपको दो तीन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, अगर क्लास 10 के बच्चे हैं, एक लेंस एक मिरर का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, क्लास 10 में सिर्फ एक लेंस और एक मिरर के ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यू हर केस में नेगेटिव लेना है। बट अगर क्लास 12 के बच्चे हैं तो अगर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बना रहे हो, दो लेंस एक मिरर, तीनों लेंस, तो आपको उसमें यू पॉजिटिव भी आएगा, वो आपको मैं उस वाले लेक्चर में बताऊंगा कब यू पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात, यू में फर्स्ट 10th में यू हमेशा नेगेटिव, 12th में दो कंडीशन, अगर एक लेंस का है तो नेगेटिव, एक लेंस एक मिरर का नेगेटिव, अगर दो तीन लेंस का है तो उस कंडीशन में पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन, फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स है, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर कॉनकेव है, चाहे लेंस हो मिरर हो, हमेशा नेगेटिव होगा। ये दो चीज आपको हमेशा याद रखो, ये जो दूसरी फोकल लेंथ वाला वो 10th और 12th से बदलता नहीं है, ठीक है, 10th और 12th से बदलता नहीं है। हाँ, यू वाला थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि 12th में कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है और 10th में कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज बताया बच्चा, मैंने यू वी एफ तीनों का साइन कन्वेंशन बता दिया, बस एच आई और एच ओ का बता दूंगा। देखो एच आई और एच ओ का क्या है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई चीज ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर नीचे है तो नेगेटिव, तो आप देख सकते हो एच ओ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव, एच आई प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है नेगेटिव। इस केस में देखो एच ओ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव, एच आई प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है नेगेटिव। तो ये होता है फ्रेंड्स पूरा इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपका रिफ्लेक्शन मिरर पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेंस पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेंस पार्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब रिफ्लेक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये जो पार्ट था आपका रिफ्लेक्शन था, REFLECTION, रिफ्लेक्शन पार्ट में मिरर आता है, ठीक है। दो टाइप के मिरर आपने पढ़ लिया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर का यूज आपको पता है, हेडलाइट मिरर बोलते हैं इसको, ठीक है, जो आपके व्हीकल्स गाड़ियों के हेडलाइट्स से कॉनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर भी गाड़ियों में यूज होता है, जो रियर साइड व्यू मिरर होते हैं, साइड व्यू मिरर देखे होंगे आप लोगों ने, वो जो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, जो पीछे ट्रक आते रहती है उसकी इमेज को छोटी करके बना देते हैं, इसलिए वहां पर कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है कि पीछे क्या आ रहा है आपको पता लग सके। तो साइड व्यू मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इस पर यहीं पर एंड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आप रिफ्रैक्शन और लेंस पार्ट स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू बच्चों।